सलामैकम। KC100 की बात कर लेते हैं तो KC100 इंडेक्स के स्टॉक्स में आज प्रॉफिट टेकिंग दिखने में आई है और इंडेक्स जो कि 61,500 पे ट्रेड कर रहा था वहां से फिर इंडेक्स को रेजिस्टेंस का सामना हुआ है और नीचे की तरफ आता हुआ इंडेक्स 60,500 पे ट्रेड कर रहा है। इंडेक्स के जो नीचे आने की जो वजह थी वो काफी ऐसे स्टॉक्स है जो कि हैवी वेटेज स्टॉक्स है KC100 के जो कि हाई साइड की तरफ जा चुके थे तो वहां पे प्रॉफिट टेकिंग दिखने में आई है तो इंडेक्स स्लो स्लो करके फिर नीचे की तरफ आना स्टार्ट हुआ और वो इसीलिए आया कि काफ़ी ऐसे स्टॉक्स थे जो अपने रेजिस्टेंस एरिया पे थे और वहाँ पे फिर उन स्टॉक्स में एक सेलिंग आई है तो फिर इंडेक्स स्लो स्लो करके नीचे की तरफ आना स्टार्ट हुआ और अभी इंडेक्स 60,500 पे ट्रेड कर रहा है। तो अभी KC इंडेक्स अपने भारी एरिया पर है जो कि 60,500 पे इंडेक्स है तो फिर यहाँ से भी अभी KC100 इंडेक्स नीचे की तरफ आ सकता है और नीचे की तरफ आता हुआ KC100 का जो सपोर्ट लेवल बनेगा वो मैंने आप लोगों को कल ही बताया था कि इंडेक्स नीचे की तरफ आ रहा है और नीचे की तरफ आते हुए इंडेक्स 58,500 या 58,000 तक इंडेक्स आ सकता है। यहाँ आकर फिर इंडेक्स कंसोलिडेशन करेगा और यहाँ पर सारे स्टॉक्स जमा होंगे और फिर मज़ीद तेज़ी आ सकती है और अभी तो वैसे भी काफ़ी सारी न्यूज़ आ रही हैं तो लेकिन अभी और मैं कल की बात कर लूँ तो कल जुम्मा है और कल फ्यूचर रोल ओवर का लास्ट डे तो इंडेक्स यकीनन नीचे की तरफ ही आएगा वो इसलिए कि काफ़ी ऐसे स्टॉक्स हैं अभी जो कि रेजिस्टेंस एरिया पर है। कुछ स्टॉक्स तो अभी नीचे आए हैं लेकिन अभी जो स्टॉक्स रेजिस्टेंस एरिया पर है तो वहाँ अगर वो रेजिस्ट करते हैं तो वहाँ से नीचे आकर KC100 इंडेक्स 59,000 तक आ सकता है और 58,500 पे तो इंडेक्स की सपोर्ट मौजूद है तो क्रम में अभी KC100 में तेज़ी दिखने में आ सकती है वो इसलिए कि अभी काफ़ी न्यूज़ें ऐसी हैं और अभी जो IMF की जो न्यूज़ है वो तो रियलाइज़ होने की तरफ जा रही है और जैसे ही पाकिस्तान को पैसे मिलते हैं IMF की तरफ से तो फिर इंडेक्स में एक तेज़ी और एक बुलिश ट्रेंड दिखने में आएगा और काफ़ी ऐसे स्टॉक्स हैं जिनका रेट तो अभी डबल हुआ ही नहीं है तो जब उनका रेट बढ़ेगा तो KC100 इंडेक्स जो कि मैंने आप लोगों को लॉन्ग टर्म टारगेट बताया कि इंडेक्स 65,000 तक जा सकता है। काफ़ी ऐसे स्टॉक्स हैं जिनका रेट तो भी डबल हुआ भी नहीं है जिनका रेट में भी तेज़ी आई नहीं है एक्चुअल तेज़ी जो कि इंडेक्स से 60s में ट्रेड कर रहा है लेकिन वो स्टॉक्स अभी अपने वही पुराने रेटों पर ट्रेड कर रहे हैं तो जब उनमें तेज़ी आएगी तो इंडेक्स मजीद 5,000 पॉइंट्स इंडेक्स में गेन हो सकते हैं और इंडेक्स 65,000 तक जा सकता है। इसके अलावा अभी तक देखिए जो भी मैं आप लोगों को स्टॉक्स बता रहा हूँ उनकी परफॉर्मेंस तो आप लोग खुद देख रहे हैं कि कितनी अच्छे वो स्टॉक्स जा रहे हैं चाहे वो FFBL का स्टॉक हो। FFBL का मैंने आप लोगों को 21 रुपये का रेट बताया था जब वो ट्रेडिंग कर रहा था और उसको आज आप लोगों ने खुद देखा कि FFBL के स्टॉक की परफॉर्मेंस कितनी अच्छी रही है और एक बुलिश ट्रेंड में FFBL का स्टॉक 3 करोड़ वॉल्यूम के साथ 24 रुपये पे FFBL के स्टॉक को अपर कैप लगा वो इसीलिए कि FFBL की जो अर्निंग्स थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी आ गई थी और इसीलिए आप लोगों को मैंने FFBL का स्टॉक भी रिकमेंड करा था कि बिल्कुल आप लोग इसके स्टॉक में उस वक्त बाइंग कर लेते जो कि 21-21.5 रुपये का रेट था जब मैंने आप लोगों को बताया था FFBL का स्टॉक तो वहाँ से मजीद FFBL के स्टॉक में 2-2.5 रुपये का गेन आ चुका है और यहाँ से भी मजीद तेज़ी FFBL के स्टॉक में दिखने में आ सकती है और लॉन्ग टर्म टारगेट तो मैंने आप लोगों को FFBL का बता दिया कि FFBL का स्टॉक 28-30 रुपये यहाँ तक ईजिली पहुँच सकता है। और इसके अलावा मैंने आप लोगों को फ्राइजलैंड कैंपीना एग्रो पाकिस्तान FCEPL के स्टॉक का भी बताया कि FCEPL का स्टॉक जिस वक्त 78 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो मैंने आप लोगों को उसी वक्त ही बता दिया था स्टॉक का एक रेजिस्टेंस बना हुआ है जो कि 81-82 रुपये का रेजिस्टेंस बना हुआ है और बहुत ज़्यादा तेज है कि स्टॉक ने 82 रुपये का जो एक रेजिस्टेंस बना हुआ था जो कि मैंने आप लोगों को बताया था तो वो रेजिस्टेंस भी स्टॉक ने ब्रेक कराया और बहुत ज़्यादा तेज है 84 रुपये तक चला गया और ये स्टॉक तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा स्टॉक है जो कि मैंने आप लोगों को बताया था वही हुआ FCEPL का स्टॉक 84 रुपये पर आ गया तो यहाँ से FCEPL का स्टॉक मजीद तेज़ी से बढ़ सकता है और लॉन्ग टर्म टारगेट तो मैंने आप लोगों को बताया था कि FCEPL का स्टॉक ईजिली 120-125 रुपये यहाँ तक तो जा सकता है बल्कि ये तो 150 रुपये वाला शेयर है लेकिन वो तो खैर आगे आके होगा तो इसका जो लॉन्ग टर्म टारगेट है वो ये स्टॉक साल में पूरा कर सकता है जो कि मैंने आप लोगों को बताया कि 120 रुपये FCEPL का स्टॉक आ सकता है। आज आप लोगों ने खुद दिया कि FCEPL की परफॉर्मेंस कितनी अच्छी रही है तो मेरी तो कोशिश यही है कि मैं आप लोगों को ऐसे मजबूत फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज के स्टॉक्स रेकमेंड करूं तो जिनके रेट बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ एक अपवर्ड की तरफ ही जा रहा है तो मैं आप लोगों को वही स्टॉक्स रेकमेंड करूंगा। बाकी मैं अपनी वर्किंग कर रहा हूं मजीद ऐसे स्टॉक्स आप लोगों को बताऊंगा आगे कि जिनमें एक बहुत ज़्यादा ही अच्छी तेज़ी दिखने में आ सकती है। तो इसके अलावा भी मैंने आप लोगों को जितने स्टॉक्स बताए तो उन स्टॉक्स की परफॉर्मेंस ने आप लोगों ने खुद देखी कि कितनी अच्छी रहेगी उन स्टॉक्स की परफॉर्मेंस और बहुत ज़्यादा तेज़ी सारे स्टॉक्स में दिखने में आएगी तो ये तो मैंने आप लोगों को 2 स्टॉक्स इसीलिए बताए कि मैंने 2 स्टॉक्स की वीडियो अभी कुछ दिन पहले अपने इसी चैनल पर बना के अपलोड करी थी आप लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छी जितनी मैं आप लोगों को स्टॉक बता रहा हूँ सारे स्टॉक की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है। तो कल की वीडियो तो लाइक करके आप लोगों ने बता दिया कि आप लोग सभी
मेरी इन वीडियोस को वॉच कर रहे हैं तो अभी भी ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं इसको आप लोग लाजमी लाइक कर दिएगा, ताकि ये वीडियो फिर आगे उन लोगों तक पहुंचे जिन लोगों तक वीडियो नहीं पहुंच पा रही। तो लाइक्स आप लोगों को बोलूंगा कि आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं इसको आप लोग लाइक लाजमी कर दिएगा, और जो भी न्यू व्यूअर्स जो ये चैनल देख रहे हैं वो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर दिएगा। ये चैनल मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, तो आप लोगों को इस तरह की बेहतर और इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस मिलती रहे जिससे आप लोगों की बाइंग करने में भी आसानी हो, सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स करने में भी आसानी हो। तो चैनल को आप लोग लाजमी सब्सक्राइब भी कर दिएगा और वीडियोस को लाइक भी कर दिएगा। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मजबूत और फाइनेंशियली स्टेबल कंपनी का स्टॉक लाया हूँ जिसका नाम है आयशा स्टील मिल्स लिमिटेड, ASL इसका कोड है। आरिफ हबीब ग्रुप की यह कंपनी है, 30 मई 2005 से पब्लिक लिमिटेड कंपनी के तौर पर काम कर रही है। इसके हम काम की बात कर लेते हैं तो ये कोल्ड रोल्ड स्टील कॉइल्स एंड हॉट डिप गैल्वेनाइज कॉइल्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स का काम कर रही है, और कंपनी तो बहुत ज़्यादा ही मजबूत कंपनी है और बहुत ज़्यादा ही अच्छा कंपनी का बिजनेस भी चल रहा है, और कंपनी के बिजनेस में एक लॉन्ग टर्म में ग्रोथ भी दिखने में आ रही है। इसके आप लोग बिजनेस को यूँ समझ लें कि खाम माल से मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट्स की तैयारी और इसको फ़रोग करने का काम कर रही है। इसके अलावा ये कंपनी PSX में लिस्टेड है और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इस कंपनी की परफॉर्मेंस तो आप लोगों ने खुद देखी। COVID-19 के वक्त में तो ये स्टॉक 5.5-6 रुपये पे ट्रेड कर रहा था, लेकिन वहाँ से जैसे ही एक इंटरेस्ट रेट नीचे की तरफ आ चुके थे और तो इस कंपनी की अर्निंग्स बढ़ी है, तो फिर इसके स्टॉक ने बहुत ज़्यादा तेज़ी से, जो कि ये 5.5-6 रुपये पे ट्रेड कर रहा था वहाँ निकला है, तो एक हाई की तरफ ज़्यादा चला गया और बहुत ज़्यादा तेज़ी इसके स्टॉक में दिखने में आई है ASL में। तो फिर ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से 25 रुपये तक चला गया और 26-27 रुपये इन रेटों पर ट्रेड करता रहा। तो ये फिर वहाँ से कंटिन्यूसली नीचे की तरफ ही आया और नीचे की तरफ आता हुआ फिर बहुत ज़्यादा ही डाउन की तरफ इसका स्टॉक आना शुरू हो गया था। तो इंटरेस्ट रेट का इतना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाना इस कंपनी के लिए इतने ज़्यादा परेशानी का सामना इस कंपनी को हुआ, वो इसलिए कि कंपनी का डेट बहुत ज़्यादा ही है, तो इस कंपनी की अर्निंग्स गिरी हैं, तो इसीलिए इसका स्टॉक प्राइस नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो गया था, जो कि 27 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। और 2021 में तो जैपनीज ग्रुप ने भी ASL के स्टॉक्स को बाय किया था 25 रुपये के हिसाब से, तो फिर भी इसका स्टॉक वहाँ से भी नीचे आना स्टार्ट हो गया और बहुत ज़्यादा ही तेज़ी से लोअर रेटों पर आता चला गया, और कंपनी ने लॉन्ग टर्म डेट्स लिए हुए थे, तो जब इंटरेस्ट रेट इतना तेज़ी से बढ़ा है तो इसीलिए कंपनी की अर्निंग्स भी गिरी हैं और इसका स्टॉक भी नीचे की तरफ ही आना स्टार्ट हो गया, तो फिर कोई सपोर्ट लेवल ASL का बन नहीं पाया और कंटिन्यूसली नीचे की तरफ ही आता रहा, कहीं ना कहीं पर आके रुका है, जैसे कि 10.5-11 रुपये पे ASL आके रुका, लेकिन फिर वहाँ भी सेलिंग आई है, फिर ASL मज़ीद नीचे की तरफ आता रहा और नीचे की तरफ आता हुआ ASL 5 रुपये तक आ गया, फिर ये 5 रुपये पे ट्रेडिंग करता रहा, फिर थोड़ी सी आगे सेलिंग में तो फिर 4.90 रुपये तक आ गया ASL, तो फिर ASL ने वहीं पे एक्युमुलेशन करके जमा हुआ है और 5 रुपये की सपोर्ट जो कि ASL की सितंबर 2023 में बनी, फिर उस सपोर्ट को ASL ने बनाया मजबूती से, तो फिर बहुत ज़्यादा ही तेज़ी ASL के स्टॉक में दिखने में आई है और फिर स्लो स्लो करके ASL का स्टॉक अपवर्ड की तरफ गया है और अपवर्ड की तरफ जाता हुआ फिर 7.5-7 रुपये तक ASL का स्टॉक आ गया। इन्हीं रेटों पर ASL का स्टॉक ट्रेड कर रहा है जो कि 7.5-7 रुपये के रेट है, तो बढ़ते हुए जो ASL का रेजिस्टेंस बनेगा वो 11 रुपये का ASL का बहुत ही मजबूत रेजिस्टेंस है, इसको ASL के स्टॉक को ब्रेक करना लाजमी है 11 रुपये का रेजिस्टेंस को। तो ये जो 11 रुपये का रेजिस्टेंस है ASL का, ये अक्टूबर 2019 में भी ASL का रेजिस्टेंस बना था 11 रुपये का, और अगस्त 2022 में भी ASL का 11 रुपये का ही रेजिस्टेंस बना था। तो जब ASL का स्टॉक अभी जिन रेटों पर ट्रेड कर रहा है जो कि 7-7.5 रुपये के रेट है, यहाँ से ये मजीद बढ़ते हैं तो इसको 11 रुपये का रेजिस्टेंस क्रॉस करना लाजमी है, फिर वहाँ से इसकी ब्रेकआउट ट्रेडिंग होगी। तो ये जैसे ही 11 रुपये का रेजिस्टेंस जो कि ASL का अगस्त 2022 में ही बना था इसको क्रॉस करता है, तो फिर ये यहाँ से मजीद तेज़ी और एक बुलिश ट्रेंड में चला जाएगा। वैसे भी कंपनी का जो स्टॉक है वो तो बिल्कुल ही अभी लोअर रेट में मिल रहा है, फिर ASL का स्टॉक जैसे ही अपने 11 रुपये के रेट को ब्रेक करता है और इससे ऊपर पर ट्रेड करता है 11 रुपये से ऊपर पर, तो फिर ASL का स्टॉक मजीद तेज़ी से जो कि ASL का फर्स्ट टारगेट है, यहाँ पे ASL का एक रेजिस्टेंस भी है, वो 16 रुपये तक ASL जाके रजिस्टर कर सकता है, 15.5-16 रुपये ये ASL का फिर एक बन जाएगा एक जगह, तो जहाँ जाके ASL ट्रेडिंग करेगा जहाँ पे रजिस्टर करके नीचे भी आ सकता है, लेकिन 16 रुपये तक जैसे ही ASL 11 रुपये को ब्रेक करता है तो 16 रुपये तक पहुँच सकता है ASL का स्टॉक। तो फिर आप लोग फर्स्ट टारगेट इसका प्रॉफिट टेकिंग का 16 रुपये का रख सकते हैं कि ASL के स्टॉक को आप लोग प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं 16 रुपये पे। तो फिर जैसे ही ASL का स्टॉक 16 रुपये के रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो ASL का स्टॉक मजीद तेज़ी से, जो कि मैंने आप लोगों को ASL का लॉन्ग टर्म टारगेट बताया कि ASL का स्टॉक 28 रुपये तक पहुंच सकता है, लेकिन उससे पहले ASL का स्टॉक 24-25 रुपये यहाँ तक पहुंच सकता है। तो देखा है तो ASL का स्टॉक स्टेप बाय स्टेप ही बढ़ रहा है, वो इसीलिए कंपनी का डेट बहुत ज़्यादा है। अभी जो एक न्यूज़ चल रही है जो कि इंटरेस्ट रेट वाली भी है, जो कि दिसंबर में मॉनेटरी पॉलिसी आनी है, हाँ अगर इंटरेस्ट रेट को थोड़ा बहुत नीचे की तरफ आता है और इंटरेस्ट रेट को रिवर्स गियर लगता है तो ये फिर स्टॉक बहुत ज़्यादा तेज़ी से एक बुलिश ट्रेंड में जा सकता है। तो ASL के स्टॉक में आप लोग इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो आप लोग की जो इन्वेस्टमेंट है वो लाखों में चली जाएगी, यानी कि आप लोगों की रकम 100% से भी ज़्यादा डबल हो जाएगी। तो अभी भी ये जनरेटर पे मिल रहा है, यहाँ से आप लोग बाय कर लेते हैं तो
तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा ASL में कैपिटल गेन हासिल हो सकता है। तो इस तरह की मजबूत और फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज आप लोगों को बताने का मेरा मकसद ही ये है कि आप लोगों की इन्वेस्टमेंट ऐसे अच्छे और मजबूत और फाइनेंशियली स्टेबल स्टॉक्स में करवाई जाए जिससे फिर भले इंडेक्स नीचे आए या भी जाए इंडेक्स, लेकिन आप लोगों की इन्वेस्टमेंट अच्छे स्टॉक्स में हुई भी होगी तो फिर आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा, चाहे वो कोई सी भी स्टॉक्स हो, सब में आप लोगों को कैपिटल गेन हासिल हो रहा होगा। और अभी जो मैंने आप लोगों को ASL का बता रहा हूँ तो ये स्टॉक कैपिटल गेन वालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है कि लॉन्ग टर्म में आप लोग ASL के स्टॉक में बहुत ज़्यादा अच्छी तेज़ी इन्जॉय कर सकते हैं और एक कैपिटल गेन आप लोग ASL के स्टॉक में हासिल कर सकते हैं। तो ये थी ASL की कंप्लीट डिटेल्स और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिएगा और जो भी मैं वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ इसको लाइक भी कर दिएगा। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।